फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सिव टेक स्मार्ट में। आज आप लोगों के लिए HP के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, जो सीरीज है AMD Ryzen 5 और एक 14 इंच का ही लैपटॉप है और आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा। जो इसका मॉडल है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, 14SDK0093AU। और इसी लैपटॉप की करेंगे आज अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस वाइज कैसी रहेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लैपटॉप को ओपन करने से पहले कर लेता हूं मैं इसके मैन्युफैक्चर की बात। तो अक्टूबर 2020 की मैन्युफैक्चर दी हुई है और बॉक्स पे MRP दी हुई है 53,238 रुपए। वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये कितने रुपए का आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेसिक से यूजर मैनुअल की, जिसे आप रीड कर सकते हो और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं पावर केबल की बात करूं तो पावर केबल की क्वालिटी हर बार की तरह अच्छी क्वालिटी की आती है। और देखते हैं इसमें एडाप्टर वही है या ये, तो भैया जी वही है, 65 वोल्ट का AC पावर एडाप्टर दिया हुआ है। आप HP का कोई सा भी लैपटॉप परचेज कर लेना, उसमें 65 वोल्ट का AC पावर एडाप्टर ही आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, मेरे को तो ये चार्जर की जो 65 वोल्ट का आता है तो मेरे को तो अच्छा ही लगा, क्योंकि ये कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, आपका काम कहीं भी नहीं रुकेगा। और लैपटॉप को निकाल लेते हैं बाहर। थर्मल कोल की पैकिंग की बात करूं तो वो भी अच्छी दी हुई है। और फ्रेंड्स, लैपटॉप को करते हैं सबसे पहले ओपन। तो 14 इंच का है, यहाँ दी हुई है HP की सील, इसको रिमूव करते हैं। और क्या कॉम्पैक्ट साइज दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये है लैपटॉप का फर्स्ट लुक। सबसे पहले कलर की बात करें तो नेचुरल सिल्वर कलर दिया हुआ है और यहाँ सेंटर में ही दी हुई है HP की ब्रांडिंग। और लैपटॉप को ओपन करने से पहले कर लेता हूं मैं इसके पोर्ट्स की बात। फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले राइट साइड पोर्ट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में अपने को मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट और साथ में अपने को मिल जाता है लैन पोर्ट और आगे की तरफ दिया हुआ है HDMI पोर्ट और दो आपको मिलेंगे 3.1 USB पोर्ट। और आगे की तरफ जी मिल जाता है अपने को हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए कॉम्बो जैक। लेफ्ट साइड पोर्ट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके लेफ्ट साइड पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ सिक्योरिटी स्लॉट मिल जाता है और आगे की तरफ मिलता है 3.1 Type-C USB पोर्ट और जिसे आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। और आगे की तरफ मिल जाता है HD कार्ड रीडर स्लॉट। यहाँ LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आगे की तरफ। और बैक पैनल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप के बैक पैनल की मैं बात करूं तो दो बड़ी बड़ी रबर ग्रिप दी हुई हैं, जो आपके लैपटॉप में एक अच्छी कूलिंग और एक अच्छी ग्रिप बनाए रखेंगी। और यहां दिया हुआ है एयर वेंट और यहां पीछे की तरफ मिल जाता है आपको HP की तरफ से व्हाट्सअप सपोर्ट। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप चैटिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। और यहाँ दिया हुआ है विंडो 10 का लोगो, जो बताता है आपके लैपटॉप में एक ओरिजिनल विंडो प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। सबसे पहले लैपटॉप को कर लेते हैं ओपन। फ्रेंड्स, मैंने लैपटॉप को कर लिया है ओपन। और सबसे पहले मैं बात करूं इसके वेबकैम की तो HP ट्रूविजन HD कैमरा विद इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन के साथ ये दिया हुआ है। और इसकी बात करते हैं बेजल की तो बेजल बिल्कुल स्लिम दिए हुए हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी HP के जितने भी अगर आप अच्छे वाले i3 सीरीज के लैपटॉप ले हो तो उनमें ही अच्छा बेजल मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो 14 इंच की डिस्प्ले दी हुई है, फुल HD IPS डिस्प्ले दी हुई है। और मेरे को यहाँ एक कमी लगी, इसमें एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आनी चाहिए क्योंकि Ryzen 5 3500U प्रोसेसर दिया हुआ है, कमी लगी HP की तरफ से। एनीवे, कंपनी की प्रॉब्लम है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आगे की तरफ ही मिल जाता है आपको पावर बटन और आगे की तरफ ही आपको मिल जाएंगे इसमें ड्यूल स्पीकर।
फ्रेंड्स मैं इसके कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज आइलैंड स्टाइल नेचुरल सिल्वर कीबोर्ड दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं इसके टच पैड की बात करूं तो मल्टी टच टच सपोर्टेड है और यहां दिया हुआ है आईगे की तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट। ये मैं आपको बता दूं, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा जब तक आपके पास लैपटॉप रहेगा। और फ्रेंड्स आगे की तरफ अपने को एमडी राइजन 5 3500U इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है और एमडी रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स इसमें इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स लैपटॉप को करते हैं बूट और फिर इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स अपना लैपटॉप बूट हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस को करते हैं टेस्ट। तो फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टी को करते हैं चेक और मैं कंपनी को एक कहना चाहता हूँ, ये मैकेफे एंटीवायरस क्यों देती है एक महीने का ट्रायल वर्जन, इससे लैपटॉप और साला हैंग होता है, ये नहीं देना चाहिए कंपनी को फिर भी, लेकिन कंपनी की है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ ऊपर की तरफ विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64 बिट में इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है आपको। और इसकी सबसे मेन बात करते हैं एमडी राइजन 5 3500U विद रेडियन वेगा 8 के साथ ही आता है। क्लॉक स्पीड की मैं बात करूँ तो 2.1 GHz इसकी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज इसमें मिल जाता है आपको 256 GB NVMe SSD और साथ ही में आपको स्टोरेज के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 1 TB का स्टोरेज इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। ये मजे आने वाली बात हो गई इसमें सबसे अच्छी वाली। फ्रेंड्स मैंने इसमें इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ और जो स्पीड है वो आपके सामने है, बहुत फास्ट एक्सेस हो रही है इंटरनेट की स्पीड। और ये जो कमाल है वो प्रोसेसर प्लस SSD का कमाल है। फ्रेंड्स मैंने लैपटॉप को अभी आपको परफॉर्मेंस टेस्ट कराई और परफॉर्मेंस क्या बताऊं, काफी अच्छी मेरे को इसकी परफॉर्मेंस लगी। जो कमाल था वो था प्रोसेसर और SSD का। और ओवरऑल इस लैपटॉप की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है लैपटॉप की। और जो इसकी साइज है वो कॉम्पैक्ट साइज लगी मेरे को और आप इसे ट्रेवलिंग में कहीं भी ले जा सकते हो आसानी से। और इसके वेट की बात करूं तो 1.47 kg का वेट दिया हुआ है, बिल्कुल लाइट वेट लैपटॉप है ये। तो फ्रेंड्स मैं इस लैपटॉप की वेट की बात करूं तो यहाँ 1.47 kg का वेट दिया हुआ है इस लैपटॉप में और मेरे को तो ओवरऑल इस लैपटॉप में कोई कमी लगी नहीं। एक कमी है जो मैं आपको बता दूं, वो है इसमें डिस्प्ले एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं दी हुई है, आपको फुल HD IPS डिस्प्ले ही दी हुई है। एक ये थोड़ी सी कमी लगी मेरे को इस लैपटॉप में। और अगर वैसे आप इसे परचेज करने की सोच रहे हो तो परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो ये मॉडल मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं इसमें 2 वेरिएंट आ रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे को इस वाले मॉडल में एक अजीब सी बात मेरे को मिली, वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो आगे की तरफ सिल्वर कलर दिया हुआ है उस इसी सेम मॉडल के अंदर आपको अगर ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो वहां आपको ब्लैक कलर मिलेगा और जो प्राइस का डिफरेंस है वो करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। ये कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ आगे की तरफ ब्लैक कलर का आ रहा है तो प्राइसिंग का इतना गैप नहीं होना चाहिए। वैसे सारे में कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो सारे ही मेरे को सेम लगे,
केवल जो फर्क है वो यहाँ आगे की तरफ ब्लैक है, और जो मेरे हाथ में ये मॉडल है इसमें यहाँ सिल्वर कलर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो परचेज कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बताया कुछ अजीब सा मॉडल, वो आप देख लेना। अगर आपको ब्लैक वाला अच्छा लगे तो ब्लैक वाला परचेज कर लेना, और अगर आपको सिल्वर वाला अच्छा लगे तो सिल्वर वाला परचेज कर लेना। और फ्रेंड्स, आपको i5 से रिलेटेड अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उनके लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।